गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं आल मेरे जो भाई और बहनें हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनको, ऑडियंस से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक एडवांस में। ओके, सो बाकी अब देखते हैं कि बकरा पीढ़ी में कैसे कैसे बकरे आए हैं, और भी एनिमल्स होंगे, देखते हैं जाके वहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि मैं भी कभी भी ईद का पीढ़ी नहीं गया हुआ, तो उस वजह से आज सोचा क्यों ना आपके लिए व्लॉग भी बन जाए और रिजॉर्ट विजिट भी हो जाए, तो इसलिए मैंने आज यही सोचा है। तो अभी मैं फाइनली घर से निकल रहा हूँ। सो आप सोचते होंगे कि धूप में निकलते हैं, क्योंकि घर का काम बहुत होता है, उस वजह से मैं सुबह सुबह व्लॉग के लिए नहीं निकल पाता। अब घर के काम सारे ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल आज़ाद, और भाई भी आज कुछ सामान लेने आया था, वो गांव लेके जा रहा है, तो मुझे भी टाइम से वापस आना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मेरे साथ कोई और तो है नहीं जो रिकॉर्डिंग करे, तो जाके बकरा फ्री में ही जाती है। बकरा पीढ़ी पहुंच चुका हूं, यहां पे बहुत रश लगी हुई है। अभी मैंने बाइक खड़ी कर दी है यहां पे, अभी मैं जा रहा हूं अंदर, जाके देखते हैं कौन से एनिमल्स आए हैं और कैसे कैसे हैं। ओके, लेट्स सी। बेल देखें, काफ़ी खूबसूरत बेल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और उनके साथ जो आए वो मेरे दोस्त निकले, मिस्टर बाबू पावर है, ये उनके ये बेल हैं, आप देख रहे हैं ये बराबर में खड़े हुए। मैंने बोला एक तो मुझे दे दो, मैं लेके जाऊँ, बहरहाल नहीं ले रहा, ईद आपकी। एनिमल्स लेते हैं वो सेल करते हैं, फॉर सपोज यहाँ से कुछ एनिमल लेके वो दूसरी, जैसे कि कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ पे जाके सेल करते हैं। यहाँ से भी ऐसे भी सिस्टम चलता है, तो उसमें भेड़ बकरियाँ भी होती हैं, बैल भी होते हैं, सो ऐसे बहुत।
गाइस यहाँ पे एनिमल की तकरीबन हाई प्राइस नज़र आ रही है, जैसे कि बैल हैं एनिमल, भेड़ बकरियाँ हैं, यहाँ बकरे हैं, दोनों की हर किसी की अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे तकरीबन बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, यहाँ से स्ट्राइक होता है, माल यहाँ से ख़रीदते हैं फिर किसी और जगह पे जाके बेचते हैं। और अभी तो ईद आने वाली है, उस वजह से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं आपको। ईद में कुछ ही दिन रह गए, उस वजह से तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से बकरे लेके आए हैं आप? बकरा यहाँ से लिया, मीरपुर के करीब। क्या रेट चल रहा है बकरों का? रेट हाई है या लो? हाई रेट है। रेट क्या रेट चल रहा है, मतलब एक अच्छे से अच्छा बकरा? कम से कम 35 से फिर लाख तक। अच्छा, सही चल रहा है। मतलब अभी ये रेट जो हाई है 35 से ऊपर ही ऊपर है? 35 से ऊपर, 35 से ऊपर ही ऊपर लाख तक चलता है बाकी। अच्छा, पर रख रहा हूं। हाँ हाँ, सही सही, मतलब कि रेट बहुत हाई चल रहा है। ये आप लेके आए हो सारे? मैं आप लेके आया, मैं यहाँ खरीदारी किया। अच्छा, यहाँ से आप खरीदारी करके फिर बेचते हो? फिर बेचता है। मतलब कि कैसे, समझाओ थोड़ा। हम खरीदारी, अब तीन भागीदार हैं हम। हाँ, तो तीन भागीदार इकट्ठे लेके के बनता है। हाँ, फिर बेचेगा माशाल्लाह, अल्लाह रोजी देगा। हाँ, वो तो है मालिक के हाथ में, मालिक देगा ना। चलो ये भी सुना, जो भी अभी रेट है हाई है, एक बकरा 35 से ऊपर तकरीबन लाख तक बकरे आ रहे हैं। तो अभी लाख वाले बकरे मैंने अभी तक नहीं देखे, लेकिन हैं, अभी शॉर्टेज है काफ़ी। तो एक अंकल से पूछा, अंकल ने बताया कि यहाँ से हम बकरे लेते हैं और लेके उनको सेल करते हैं। अभी इन्होंने जो तकरीबन 10-12 ये पीछे मेरे नज़र आ रहे हैं, 10-12 बकरे लिए हुए हैं, वो तीन भागीदार हैं, मतलब तीन जनों ने लिए हैं। अब उनको लेके यहीं पे यहीं सेल करेंगे। ऊपर वाला है, अब बिज़नेस है तो बिज़नेस करना ही, लेंगे कभी लॉस होगा कभी बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ अ रूल ऑफ बिज़नेस। सो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है ये भी, मतलब कि जो कर पाए, एक जाने अनजाने में हम ले लेते हैं और नहीं कर पाते, जो करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक नाज़रीन से हम इंटरव्यू लेते हैं कि ये कहाँ से बकरे लेके। पहले हमने ऑलरेडी एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि हम तीन जने ने मिल के ये बकरे लिए, यहाँ पे खरीदे, यहीं पे हम बेचेंगे। अब एक और नाज़रीन से हम पूछते हैं कि ये बकरे, उनके ये बकरे खड़े हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने लिए, अब ये कहाँ से लेके आए, अब उनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताएँ कहाँ से बकरे ये लेके आए? ये बकरे हमने लिए, यहाँ देखो, ये बकरे हमने यहीं से लिए, ये हम यहीं से लिए, अभी यहीं पर बेचेंगे, 9 तारीख को अपने घर जाएंगे। ये बकरा हमारे पास आए बाहर निकल गया। क्या रेट लग रहा है इसका? 1,05,000। गाइस तो आप देख सकते हैं, ये 1,05,000 रेट उनका लगा हुआ है, अभी फिर भी नहीं दे रहे आप। नहीं, आप इन्होंने ये जो दाम रखा हुआ है 1,05,000, ये आप देख सकते हैं, बकरे काफ़ी खूबसूरत हैं, मेहनत की हुई है उन्होंने, तकरीबन एक एक साल मेहनत करते हैं ये, उनके ऊपर खर्चा करते हैं, फिर ये बेचने आते हैं तो बनता है। बाइकें यहाँ पे खड़ी की जाती हैं और यहाँ पे ये जो उनकी सुरक्षा करने वाले हैं, मतलब इनके हैंडओवर होता है, ये 10 या 20 रुपए लेते हैं पर बाइक से। तो ये यहाँ पे सेफ्टी अच्छी हुई है, क्योंकि
हम अगर बाइक खड़ी करके अंदर चले जाके यहाँ पे कोई भी चोरी चक्का ले जा सकता है। तो इसी वजह से बेचारों ने इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है, इनकी रोज़ी भी हो जाती है और ये आपकी बाइक को सेफ भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो फाइनली मैंने बकरा पीड़ी थी पूरी की पूरी घूम ली। आपने बहुत ही खूबसूरत बैल देखे होंगे, बकरे देखे होंगे और यहाँ की प्राइस क्या चल रही वो भी आपको पता चला होगा। और मैं अपने मुसलमान जो दोस्त हैं और भाई बहनें सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद मुबारक। आपके लिए मैं व्लॉग बनाने आया था। अगर व्लॉग ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे नए नए व्लॉग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, और नए व्लॉग के साथ मिलते हैं आफ्टर वन डे।